पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला यह है कि 3 सदस्यीय समिति का गठन कोर्ट ने कर दिया है। और ये भी कहा है साथ ही टिप्पणी करते हुए कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी पीयूष पांडे दे रहे हैं। पीयूष, क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से इस बड़े मामले को लेके और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का? जी पूर्णिमा, देखिए, पूर्व जस्टिस आर वी रविंद्रम के नेतृत्व में ये समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 3 मुख्य सदस्य हैं। इसके अलावा फोरेंसिक और साइबर की एक्सपर्ट की जो कमेटी है वो इसी के तहत अंतर्गत एक रखी गई है। इन 3 सदस्यों के तहत 8 हफ्ते में जो भी जांच है इस मामले पर वो की जाएगी, और इसके बाद 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक की जो पूरी कार्रवाई है वो अपने फैसले में दर्ज की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा, व्यापक हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि निजता का अधिकार है और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है, क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा करना कोर्ट का काम है, और कोर्ट इस मामले में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा जो एक तरह से क्या कहते हैं राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के अगेंस्ट हो। वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, और इस सच्चाई के मद्देनजर कोर्ट इस मामले में आर वी रविंद्रन के नेतृत्व में जो पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में समिति का गठन करता है, जो 8 हफ्ते में इस मामले पर जो भी जांच होगी उसकी प्राथमिक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को देगा, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 हफ्ते बाद फिर से आगे की सुनवाई करेगा। बहुत बड़ा फैसला पीयूष, पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। 3 एक्सपर्ट्स की एक समिति गठित कर दी है, 8 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें पहली जांच में बातें सामने क्या आई है वो अदालत के सामने इन एक्सपर्ट कमेटी के 3 सदस्यों को रखनी होंगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट विद इन 8 वीक्स द मैटर विल बी रीलिस्टेड अगेन। In the meantime, this committee has to examine all aspects of potential breach of privacy. The judgment as it was read out in the court is laced with different aspects of both privacy and the rights of journalists to function freely without state interference. मैं हिंदी में कर दूंगा, फिर सवाल प्रतीक चड्ढा जी आंसर कर देंगे, ठीक है। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटीशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया, और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। कमेटी जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रन के थ्रू हेडेड होगी, और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो जो मैं नोट कर पाया जब जजमेंट पास हो रहा था, वो आलोक जोशी, संदीप ओब्राय, और 3 टेक्निकल मेंबर्स में नवीन कुमार चौधरी, मिस्टर प्रभाकरम एंड मिस्टर अश्विनी गुप्ता होंगे। और कोर्ट ने 8 हफ्ते के बाद मैटर फिर लिस्ट किया है, इस दौरान कमेटी अपना काम करेगी। कमेटी को रिपोर्ट कब तक देनी है, कुछ कहा है? ये 8 हफ्ते का समय उन्होंने दिया है रिटर्न के लिए, और बाकी जो सवाल है मेरे कॉलीग प्रतीक चड्ढा जी वो आंसर करेंगे। द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट देयर इज अ चिलिंग इफेक्ट टू द right to freedom of expression, particularly for journalists in a democracy. They have said that given the nature of the allegations and the fact that some of the journalists have come forward, I myself appear for 5 journalists, 5 of whose names have been on the Pegasus list, Prem Shankar Jha, SNM Abdi, Paranjoy Guha Thakurta, Rupesh Kumar Singh and Ipsa Shatakshi. All of them have been found to have
been hacked by Pegasus, and the court has said that in this kind of environment, it's vitally important in a democracy to examine these allegations. Of course, the allegations will be examined in accordance with law. The court said that because it is a writ petition and it's writ jurisdiction, there is a limited fact-finding ability that the court has, and so Justice Ravindran's committee, which has been constituted today, will look into the matter and report shortly in 8 weeks. तो ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आर वी रविंद्रन इसकी अगुवाई करने वाले हैं। इस समिति का गठन कर दिया गया है और 8 हफ्ते में मामले की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। पीयूष एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष, 8 हफ्ते का वक्त है, फाइल रिपोर्ट की जाएगी, कम से कम जो एलिगेशन लगे उसकी जांच होनी चाहिए। ये गंभीर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी शामिल किया निजता का अधिकार, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी का गठन किया है और क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मामले में व्यापक हलफनामा नहीं दाखिल किया था, कई बार कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था साफ तौर पर कि आप इस मामले में पूरी जानकारी हमें दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस मामले में कोर्ट को कुछ भी बताने से ये राजी नहीं है। और अंततः फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर वी रविंद्रन जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। इसमें 3 सदस्य हैं जो प्रमुख हैं और उसके अलावा अन्य सदस्य भी हैं जो एक साइबर एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं और जो बेसिकली 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी इसमें अलग से फॉर्म की गई है और 3 प्रमुख मेंबर हैं। तो आर वी रविंद्र के नेतृत्व में जो समिति का गठन किया गया है वो समिति 8 हफ्तों में इस मामले में पूरी जो परख है वो करेगी, इस मामले की जांच करेगी और इसके बाद कोर्ट 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा और 8 हफ्ते बाद कोर्ट इस मामले में ये देखेगा कि कमेटी क्या कहती है और उसके बाद इस मामले में 8 हफ्ते बाद पहली रिपोर्ट कमेटी की क्या कहती है इस पर कोर्ट की तरफ से नजर रहेगी। पीयूष, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेगासस मामले में यह बड़ा फैसला आया और 3 सदस्यीय कमिटी का गठन करने का आदेश कोर्ट ने दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।